दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, यूट्यूब साजिद हसन हेल्थ चैनल में आप सबका खुश आमदीद है। मैं डॉक्टर साजिद हसन उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से, और आज ये वीडियो मैं एक बहुत ही आम समस्या जिसमें के उम्र से मतलब नहीं होता, हाँ लेकिन हमारे जो वर्कआउट है, कामकाज है, उससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। हर उम्र वालों को कहीं ना कहीं एक कमर दर्द की परेशानी लगी रहती है। चलिए आज इस पर मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ कि कुछ होम रेमेडीज को अपनाकर आप इस परेशान करने वाले दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, लाइक और शेयर करिए, और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए आज इसमें मैं आपको लगभग 10 टिप्स बताऊँगा ऐसी, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुने और इसे अपनी जीवन शैली में अपनाएं तो ज़रूर आपको फायदा होगा। पहला टिप्स है, रोज़ सुबह सरसों या नारियल के तेल में लहसुन की 3-4 कलियां डालकर जब तक लहसुन की कलियां काली ना हो जाएं गर्म कर लें। ठंडा होने पर इस तेल से कमर की मालिश करें। दूसरा है, नमक मिले गर्म पानी में एक तौलिया डालकर निचोड़ लें। इसके बाद पेट के बल लेट जाएँ, दर्द के स्थान पर तौलिया से भाप लें। तीसरा है, कढ़ाई में 2-3 चम्मच नमक डालकर इसे अच्छे से सेक लें। इस नमक को थोड़े मोटे सूती कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। कमर दर्द पर इस पोटली से सेकने से कमर दर्द में आराम मिलता है। चौथी टिप्स आपके लिए है, अजवाइन को तवे पर थोड़ी सी धीमी आंच पर सेक लें। ठंडा होने पर धीरे धीरे चबाते हुए निगल जाएं, इससे भी आराम मिलता है। पांचवा है, अधिक देर तक एक ही पोजीशन में बैठकर काम ना करें। हर 40 मिनट में अपनी कुर्सी से उठकर थोड़ी देर टहल लें। छठा है, नर्म गद्देदार सीटों से परहेज करना चाहिए। कमर दर्द के रोगियों को थोड़ा सख्त बिस्तर या जो लकड़ी का होता तख्त, उस बिस्तर पे बिछौना बिछाकर सोने से ज़रूर आराम मिलता है कमर दर्द में। योग का भी सहारा लें, योग भी कमर दर्द में लाभ पहुंचाता है। कमर दर्द के लिए व्यायाम भी करना चाहिए। सैर करना, तैरना या साइकिल चलाना सुरक्षित व्यायाम है। तैराकी जहां वजन तो कम करती है, वहीं यह कमर के लिए लाभकारी है। साइकिल चलाते समय कमर सीधी रखनी चाहिए। व्यायाम करने से मांसपेशियों को ताकत मिलेगी तथा वजन भी नहीं बढ़ेगा। कमर दर्द में भारी वजन उठाते समय या ज़मीन से किसी भी चीज़ को उठाते समय कमर के बल ना झुकें, बल्कि पहले घुटने मोड़कर नीचे झुकें, और जब हाथ नीचे वस्तु तक पहुंच जाए तो उसे उठाकर घुटने को सीधा करते हुए खड़े होना चाहिए। इससे आपका वो तकलीफ आगे बढ़ेगी नहीं। कार चलाते वक्त सीट सख्त रखना चाहिए। कार ड्राइव करते समय सीट बेल्ट भी टाइट कर लें। ऑफिस में काम करते समय कभी भी पीठ के सहारे ना बैठें। अपनी पीठ को कुर्सी पर इस तरह से टिकाएं कि यह हमेशा सीधी रहे। गर्दन को सीधा रखने के लिए कुर्सी के पीछे की ओर मोटा तौलिया या कोई कपड़ा लगाया जा सकता है, जिससे आपके पीठ वाली हड्डियों पर मांसपेशियों पर जोर नहीं पड़ेगा। कमर दर्द से तुरंत आराम पाने के लिए एक गिलास गर्म दूध में एक चम्मच मेथी का पाउडर और एक चम्मच शहद मिलाकर धीमे धीमे इसका सेवन करें। इससे कुछ ही देर में आपको कमर दर्द से राहत मिल जाएगी। हल्दी आसानी से आपके शरीर के हर दर्द से छुटकारा दिला देगी। इसके लिए रात को सोने से पहले एक गिलास दूध में हल्दी डालकर इसका सेवन कुछ दिन लगातार करें। इससे भी कमर दर्द की तकलीफ में आपको आराम मिलेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में कमर दर्द के लिए होम रेमेडीज इतनी ही। आपको कैसी लगी अपनी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगने पर इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए YouTube साजिद हसन हेल्थ चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।